मुझे चांस मिल सकता है लापता एसएमपी को ज्वाइन करने का, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। ओके, तो आपको लापता एसएमपी माने के लिए सबसे पहले अपना वजन घटाना पड़ेगा, जिसके लिए आप एप्पल खाओ, ये खाओ, मच्छी खाओ, और ये वाली भी खानी पड़ेगी। और फिश खाने से क्या होगा कि आप में पॉइजन शक्ति बढ़ेगी, इस जहरीली से जहरीली चीज सर अभी नहीं खानी जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको पीवीपी में इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो आप हो ही प्रो, लेकिन और ज्यादा प्रो बनना पड़ेगा आपको। और आपको पार्कोर वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि भरना अगर आप ऐसे किसी के भी द्वारा मर सकते हो, इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, और हाँ हाँ, पीवीपी करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खानी है, क्योंकि आपका वजन बढ़ता जा रहा है। ओके ओके, इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप लापता सेंटर में बहुत इजीली आ सकते हो। ठीक है, थैंक यू निज भाई, मैं अभी जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। तो निज भाई ने मुझे दो चैलेंज दिए थे, इसमें से एक था पार्कौर और दूसरा था पीवीपी, और मैं दोनों में ही नूब हूं। और अगर मुझे एसएमपी में सिलेक्ट होना है तो मुझे बनना पड़ेगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और उसके लिए मुझे चाहिए एक कोच जो मुझे सिखा सके कि कैसे बने स्ट्रांग। कोच किधर है मेरा, प्लीज। ब्रो, मैं पीवीपी कर रहा था, आपने मुझे 150 रुपए दे के बुलाया, देखो देखो 200 में बात थी, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, 100 रुपए में कर लेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक मिनट, मुझे इंट्रोडक्शन तो देने दीजिए। ये भी अभी अभी ज्वाइन हुए लापता एसएमपी में, और ये हमें टिप्स देने वाले हैं। अच्छा, लापता एसएमपी में हम लोग कैसे जा सकते हैं, हमको ज्वाइन होकर रहना है? अरे मैं वैसे कोचिंग देता नहीं हूँ, बट आप मेरे बड़े भाई, इसमें से मैं आपको थोड़ी बहुत दूंगा। Yes, सबसे पहले आपको एक एमएलजी करके दिखाने पड़ेगा। एमएलजी बहुत आसान है सर, आई एम लाइक एक्सपर्ट इन एमएलजी। अगर आपने इस बार नहीं की तो मैं आपको ट्रेनिंग नहीं देने वाला। ओके okay? ठीक है सर। ओके, इन 3-2-1 गो। ओके 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 ओके, यस सर। ओके, तो आपने कर लिया, तो इसी खुशी में आपको एक झटका ब्लॉक मिलेगा। थैंक यू सो मच, ये मेरे कोच का पहला अवार्ड, मैं हमेशा फ्रेम में लगा के रखूंगा इसे। तो ये था आपका पहला पड़ाव, जिसको आपने बहुत अच्छे से पार किया है। जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, वो बहुत कम लोग बताते हैं। मैं ऐसे नहीं आपको बताने वाला, मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि क्या आप उसके काबिल हो भी या नहीं। ओके, ले लीजिए, आप उसके लिए एमएलजी करनी है। अब वो आप पे, आपको आपको बस बचना है, सिंपल मैच। एमएलजी बच गया। ओके, तो ट्रेनिंग टाइम, आपने बहुत अच्छे से अपना कोर्स पास किया, तो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। इस ट्रेनिंग के एंड में मैं फाइट करने वाला हूँ मिस्टर लैपिस के साथ, मेरी स्किल्स चेक करने के लिए, क्या आरटीओ भाई ने मेरे को सही में अच्छे से सिखाया है। तो उसके लिए भी देखते रहिए क्या हमारे कोच सच में अच्छे है। चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मारिए इसको, ऐसे मारिए जैसे ये, ऐसे नहीं मारना ब्रो, ऐसे फिर कैसे मारना है भाई, आपने बोला मारिए। सिलेक्ट तो हो जाऊंगा ना भाई मैं एसएमपी में, अभी तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा, बट मेरी ट्रेनिंग के बाद आप ऑफ कोर्स हो सकते हो। यहाँ पे ये आर्मर स्टैंड है, इसको आप मारो, पहले आप मारो ऐसे। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे मार, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मेनली आपको ना एक चीज पे फोकस करना है, आप सीरियस। ओके, एकदम कोई, मैं मेरी प्रैक्टिस के टाइम पे कोई बंदा ऐसे इसी मूड में मुझे लगा रहा था, बिल्कुल सीरियस, क्या आप सीरियस हो? हाँ सीरियस, सीरियस म्यूजिक लगा दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ओके, तो मेनली आपको सबसे पहले चाहिए होता है सामने ये जो आपके बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर आप एक ऐसे हिट मारोगे तो ये खुल जाएगा। ये तो आप मेनली इस तरह 132। ऐसा कोच है भाई ये, किसने बनाया इसको कोच? इतने बजट में ऐसे कोच मिलता हूँ, थोड़ा बजट बढ़ जाता तो मैं आपको ज्यादा अच्छी दे सकता था। अबे साले, अपने को मेनली ऐसे मारना है, या देख सकते हो ना, ऐसे ऐसे मारना, जंप करके आपको सिंपल उसके हेड के ऊपर एकदम करना। अच्छा ठीक है अभी प्रैक्टिस चालू करता हूँ फिर मैं। ये कितनी देर तक करना है कोच? अरे वो बस कोई एक घंटे तक करते रहो साले तू। ओके एडिटर भाई, इसका मॉन्टाज लगा देना, ठीक है, फास्ट करते हुए। ठीक है, 1-2-3 स्टार्ट। 1 eternity later. अरे भाई साहब, बस करो yes. कितना कर रहा है? चलो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपका मुकाबला है इस बंदे, किस बंदे से? ओ रुको भाई, ये आपको जल्दी करना पड़ेगा, फाइट में ऐसे ही होता है। हाँ अरे यार, हाँ एक सेकेंड, जल्दी एक सेकेंड भाई। अरे भाई कितनी तेज दौड़ रहा है ये। ओह नो, वार्ड। ओके आई एम नाउ रेडी। अरे सांड सांडे, यस मार दिया भाई सर। ओह नो भाई, मैंने आज तक नहीं मारा है भाई, मेरे को पता भी नहीं कैसे मारते। अरे वो यूज करो, वो नहीं है मेरे पास, ऐसा दिया ही नहीं गुरुजी ने मेरे को। फंस गया मैं, चड्डी पहनना, चड्डी मार दो।
थैंक यू गुरुजी। इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। आइए लैपिस भाई, फाइनली आपके साथ फाइट करने का मौका मिल गया। वेट, इस फाइनल फाइट के पहले हम लोग जाने वाले और करने वाले हैं पार्कौर। अब एक पार्कौर है मेनली, अगर आपको ये पार्कौर करना है ना तो आपको पार्कौर करना पड़ेगा। तो बात, थोड़ा मूड खराब कर दिया। मैं पार्कौर में काफी एक्सपर्ट हूँ, अपनी स्किल्स दिखाने वाला हूँ मैं अभी। देखो गाइस, ले ली बकेट एंड लेट्स गो गाइस, एंड वी आर गोना डू अ बकेट। अब वो फाइनल घड़ी आ चुकी है मेरे और मिस्टर लैपिस के बीच एक एपिक पीवीपी बैटल। आइए लैपिस भाई, फाइनली आपके साथ फाइट करने का मौका मिल गया। आर यू रेडी? डरो मत मेरे से, डरना चाहिए तुमको, समझे? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मेरा गुरुजी है आरटीओ। कुछ भी? ओह नो, ओके। देखो मेरा हार का क्रेडिट जो है वो आरटीओ को जाएगा। और अगर मैं लापता एसएमपी में सिलेक्ट होने वाला हूँ तो सब लोग जंप करो, जंप कर लो भाई। तारा 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 तारा।